नमस्कार, मेरे चैनल इजी कुकिंग एंड मोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ दोस्त प्रिया। आज मैं किसी से आपको मिलवाने वाली हूँ जिनका कि मेरे घर में कुकिंग का जादू चलता है, और मैं जो कुछ भी बना रही हूँ इस चैनल पे वो सब कुछ उन्हीं से मैंने सीखा है। ये है मेरी मदर इन लॉ मम्मी मिसेज बीना देवी। ये मेरे घर की मास्टर शेफ है। ये बहुत ही लविंग, केयरिंग और हेल्पफुल है। आपको इनकी रेसिपी देखकर सीखकर बहुत मजा आएगा। बहुत ही टेस्टी फूड बनाती है हम सबके। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, रेसिपी मम्मी की है इसलिए उनको ही बनाते दिखाऊंगी ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे जगहों पे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं आप लोगों से। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोगों ने यहाँ पर आधा केजी करेला लिया है। यह मीडियम साइज का है, आप चाहे तो बड़ा या छोटा ले सकती हैं। हम बातों में लगे हैं और तब तक मम्मी अपने काम पर भी लग गई हैं। देखिए, करेले के दोनों एंड कट करके और छिलका हटा देना है। अगर आपको ये छिलके बुरे नहीं लगते तो आप नहीं भी हटा सकते हैं, लेकिन एक बार छिलका हटाकर मम्मी के तरीके से बनाकर देखिएगा। आप ये छिलका नहीं फेंकना चाहते हैं तो इसे थोड़ा फ्राई करके प्याज मसाला और आलू के साथ भरवा कैप्सिकम बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी होता है। करेले खाने के बहुत फायदे हैं। डायबिटीज वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, या नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। इसके कड़वे होने की वजह से सब इसे नहीं खाना चाहते, लेकिन जब आप इसे मेरी मम्मी की रेसिपी से बनाएंगे तो मैं श्योर हूँ यह कड़वे नहीं लगेंगे। जो लोग करेला नहीं खाते थे, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मम्मी के हाथ के बने भरवे करेले बहुत पसंद से खाते हैं। जब भी मम्मी भरवे करेले बनाती थी तो मेरे घर में कुछ लोग हैं जो उसे लंच में लेकर जाते थे अपने दोस्तों कलीग्स के लिए। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से उन्हें हम नहीं मिल पा रहे हैं और नहीं खिला पा रहे हैं। ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो ये उनके लिए भी अच्छा है, वो भी इस तरह से बना के खा सकते हैं। ये मीडियम साइज के हैं इसलिए इसके दो टुकड़े कर लेंगे। अगर ज्यादा बड़े हो 3-4 टुकड़े कर लेंगे। छोटे करेले हैं तो सिर्फ बीच से ऐसे चीरा लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर सारे छिलके हटाकर इसे दो दो टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे नॉर्मल पानी से धो लेंगे। इन करेले के टुकड़े को कुकर में डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं की है, मम्मी की मदद भी की है। अब इन करेलों पर हमें नमक डाल देना है और एक सीटी आने तक गैस स्टोव पर रखना है। गैस फ्लेम मीडियम रहेगा। ये जो करेला बॉयल करने का प्रोसेस है, ज्यादातर मम्मी एक दिन पहले करती हैं। जिस दिन बनाना हो उससे पहले रात को ही उबाल लेती हैं और उसे पूरी रात कुकर में वैसे ही बंद रहने देती हैं। नेक्स्ट डे कुकर से बाहर निकालती हैं। ये देखिए, करेला बिल्कुल पक गया हुआ है। ध्यान रहे, करेला उबालते समय हमें कुकर में पानी नहीं डालना है। नमक 1.5 से 2 टेबल स्पून डालें। अब करेले के बीज को बाहर निकाल लेंगे। आप बीज को धूप में सुखाकर उस फ्राई करके स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। सारे करेलों के बीज निकाल लिए हैं मम्मी ने। मम्मी ने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और 1 मीडियम साइज का कच्चा आम लिया है जिसका छिलका हटा दिया है। मम्मी प्याज को मिक्सी में नहीं ग्राइंड करती, ऐसे कद्दूकस कर लेती हैं। इससे भी स्वाद में बहुत फर्क आता है। सारे प्याज ग्रेट हो चुके हैं, अब उसके ऊपर ही कच्चा आम भी ग्रेट कर लेंगे। अगर कच्चा आम नहीं है आपके पास तो आप 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे। अब बारी है मसालों की। इसके लिए हमें साबुत राई दाना, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, पीले सरसों का पाउडर, सौंफ पाउडर, नमक और सरसों तेल लेना है। सबसे पहले एक कढ़ाई को गैस स्टोव पर रख के गर्म कर लेंगे। 2 बड़ा चम्मच
तेल डालेंगे। तेल को बिना ज्यादा गर्म किए उसमें राई के दाने डाल देंगे। अगर आपने तेल ज्यादा गर्म कर दिया और तब राई के दाने डाले तो वो बहुत तेजी से उड़ेगा और आपका हाथ या चेहरा जल सकता है, इसलिए तेल डालने के बाद ही राई के दाने डाल दें या फिर राई के दाने पहले डाल दें, जब वे थोड़े चटक जाए तब सरसों तेल रखें। आवाज ना रिकॉर्ड कैमरे को ऑन देखकर मम्मी थोड़ी नर्वस हो रही थी, फिर मैंने कहा आपकी आवाज नहीं रिकॉर्ड कर रही, परेशान मत हो, हम बिहार से हैं इसलिए मैं यहाँ पर बिहारी लैंग्वेज बोल रही हूँ, शायद आप में से कुछ एक को समझ आए और कुछ को नहीं आएगा। तेल गर्म हो चुका है, राई दाना चटक गया है, प्याज और आम जो हमने ग्रेट करके प्याज और आम रखा था उसे अब इसमें डाल देंगे। एक बार इसे मिलाकर फिर इसमें 2 टीस्पून सौंफ पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 टीस्पून सरसों पाउडर, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार डालेंगे। नमक को स्वादानुसार तो डालना ही है और यह भी ध्यान रखना है कि ये नमक सिर्फ हम मसाले के लिए डाल रहे हैं, करेले में पहले से ही नमक डला हुआ है। सारी सामग्री मिलाते हुए इसे भुनेंगे। 2 मिनट तक तेज आंच पर भुनने के बाद 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर भुनेंगे ताकि मसालों का स्वाद बना रहे, जले नहीं। तेज आंच पे मसाले भूनने से मसालों का स्वाद जल जाता है। जब इस तरह थोड़ा तेल मसाले के बाहर दिखने लगे और जो सामग्री हमने कढ़ाई में डाली थी वो पकी हुई सी नजर आने लगे तो गैस स्टोव बंद कर देंगे, मसाला एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे ठंडा करके अब करेलों में इस तरह से भर लेंगे। चम्मच के पतले वाले साइड से करेले में मसाला दबा दबा कर प्रेस करके भरेंगे। मम्मी ने लगभग सारे करेले भर लिए हैं, मसाले की क्वांटिटी भी बिल्कुल सही थी, इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। जिस कढ़ाई में हमने मसाला भुना था उसी में 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल डालेंगे और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाए तब उसमें करेले डाल देंगे। एक बार में 6 पीस डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा ना डालें नहीं तो ये टूट जाएंगे। इसे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एक बैच करेले फ्राई हो गए। इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और बचे हुए करेले को कढ़ाई में डालेंगे। एक बार में बहुत से करेले नहीं डाले नहीं तो टूट जाएगा। ये देखिए दूसरे बार के करेले भी फ्राई हो गए। अब हमें लगभग 2 टेबल स्पून दही लेना है और जिसमें करेले फ्राई किए हैं उसी कढ़ाई में डालना है। अगर तेल ज्यादा बचा हुआ है कढ़ाई में करेले फ्राई करने के बाद तो तेल बाहर निकाल लेंगे। ये बस कढ़ाई तेल वाली होनी चाहिए, इसमें तेल की जरूरत नहीं है, इसलिए जो भी तेल बचा हो उसे बाहर निकाल लेंगे। अब दही को अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट, 1 से 1.5 मिनट दही को अच्छे से भून लेंगे। उसमें अब करेले डाल देंगे।
दही करेले में अच्छे से लिपट जाए तब गैस स्टोव बंद करें और करेले को सर्विंग प्लेट में निकाल लें। भरवे करेले तैयार हैं सबके लिए। मेरे घर में पराठे के साथ सभी को यह बहुत पसंद है। आप भी इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको मम्मी की रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मिलेगा स्वाद का खजाना, वो भी साधारण सी सामग्री में। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।